गुड मॉर्निंग 9th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आज हम सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र में अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग इसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले पाठ में हमने पालमपुर गांव की कहानी पढ़ा था। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि संसाधन के रूप में लोग में जनसंख्या, अर्थव्यवस्था का दायित्व और इसकी व्याख्या, इस सब के बारे में जानेंगे। इसके अलावा शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाएं में निवेश, ये सब इस बात को हम इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पर दिया है अवलोकन में कि संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, किस किस चीज़ों में? शिक्षा में, प्रशिक्षण में, चिकित्सा में, इन जब सेवाओं में निवेश किया जाता है तो जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है और मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन के रूप में लोग का अर्थ क्या है। वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका। इसमें जनसंख्या पर विचार करना, जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सृजन के योगदान की क्षमता पर बल देता है, और दूसरे संसाधनों की बात ही, जनसंख्या भी एक क्या है? संसाधन है, एक मानव संसाधन है। जनसंख्या किस रूप में देखा जाता है? मानव संसाधन के रूप में। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है इसे जब हम इसे नकारात्मक पहलू में देखते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच में संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय ये सारी बातें हम ध्यान करते हैं। जब इस विद्यमान मानव संसाधनों को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी के निर्माण में लाते हैं और इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो किसके अंतर्गत मानव पूंजी लगे? भोजन, अच्छा और पौष्टिक भोजन, शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था, और उसके साथ जुड़ा रहता है हर व्यक्ति का स्वास्थ्य और कौन कौन सी उसको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती है? मानव पूंजी निर्माण के अंतर्गत आती है। फिर आता है भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है। भौतिक पूंजी को आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मानव पूंजी निवेश में देखेंगे कि पूंजी निवेश किस में किया जाता है? शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा। भौतिक पूंजी ही भलीभांति प्रतिफल प्रदान करती है। अधिक शिक्षित और बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे देखा जाता है। अगर कोई अधिक शिक्षित है और उसको बेहतर प्रशिक्षण मिला है तो वो लोग उच्च उत्पादकता के कारण होते हैं, उन्हें एक अच्छी आय प्राप्त होती है, साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। एक अधिक अच्छा स्वास्थ्य भी उच्च उत्पादकता का रूप बन सकता है। अब जब भारत में हरित क्रांति घटित हुई तो बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी दुर्लभ भूमि संसाधन की जो उत्पादकता थी उसमें भी तीव्रता से विकास होने लगा, और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की जो क्रांति हुई थी वो एक आश्चर्यजनक उसमें उदाहरण देखने को मिला। भौतिक मशीनरी और प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त किया, ये भी इसके अंतर्गत देखा गया और ये सारा भारत सरकार द्वारा किया गया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ मिलता है बल्कि समाज को भी अत्यधिक अप्रत्यक्ष रूप के तरीकों से उसको भी लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं होते और उतनी स्वास्थ्य सेवाएँ उन्हें प्रदान नहीं की जाती, लेकिन लाभ इन्हें भी प्राप्त होता है। वास्तव में देखा जाए तो मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे, सबसे पहला नाम आता है भूमि, जो भौतिक पूंजी में सबसे श्रेष्ठ स्थान रखती है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं है, ये अपने आप इसका उपयोग नहीं है जब तक कि मानव इसका उपयोग नहीं कर सकता।
अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता है रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे उत्पादक परिसंपत्ति में भी बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति होगा और एक शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो आगे क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी में प्रयोग में औद्योगिक कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि संसाधनों द्वारा व्यय कर सकता है। अब यहाँ पर एक सकल की कहानी है। एक सकल नाम का और विलास नाम के दो मित्र हैं जो कहाँ रहते हैं, एक गांव में रहते हैं जिसका नाम है सेमापुर। सकल की आयु 12 वर्ष थी और उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। यहाँ दो मित्रों की कहानी है, एक का नाम है सकल और दूसरे का नाम है विलास। ये दोनों मित्र कहाँ रहते हैं, एक गांव में, और गांव का नाम क्या है, सेमापुर। सकल की आयु कितनी है, 12 वर्ष, और उसकी माँ शीला जो है वो घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में ही काम करते थे। अब सकल के घर में कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। सकल भी क्या करता था, अपनी माँ के साथ घर के कामकाज में उसकी मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की देखभाल भी करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने और वहां पर उसका क्या करवाने, एडमिशन करवाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया और उसका एडमिशन शुरू वहां पर इस स्कूल में, विश्वविद्यालय में हो गया और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज भी ले लिया। सकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा कर लिया। कुछ समय के बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी किया और इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे क्या कर दिया, पदोन्नति दे दी। उसकी तरक्की हो गई। अब इसके आगे ये तो थी सकल की कहानी, जो आगे चल के क्या बन गया, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। अब दूसरा जो मित्र है वो कौन है, विलास। अब हम पढ़ेंगे कि विलास की क्या कहानी है। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था, वह सकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी मां गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब में मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल मात्र कितने रुपए कमाती थी, 150 रुपये, यानी 150 रुपये ही कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था तथा अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। उस समय के बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हो गया और अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों व्यक्तियों के बारे में हमने पढ़ा। एक तरफ देखा जाए तो सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट था, स्वस्थ था और उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जबकि विलास क्या था, गठिया का रोगी था और उसे यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन भी उसके पास मौजूद नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई, जबकि विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी।
अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। तो सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसे श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई, जबकि देखा जाए तो उसकी कुल उत्पादकता में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। ठीक इसके विपरीत अगर देखा जाए तो व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हुई और ना ही उसे कोई स्वास्थ्य सेवा मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता रहा, इसलिए वह भी माँ की तरह क्या हो गया, अकुशल श्रमिक का वेतन पाता रहा। तो यहाँ दोनों में अंतर ये देखने को मिलता है कि अगर शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य अगर जिस व्यक्ति को मिलता है तो वो क्या होता है, आगे चल के उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि होती है और कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में भी योगदान देती है। अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।